दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि अर्जुन इतनी भयंकर वचन बोलने लगते हैं कि अगर नक्षत्र सहित आकाश भी फट जाए और देवराज इंद्र और भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ भी आ जाएं तो भी मेरे जीते जी आपको पकड़ नहीं सकेंगे। ये सारे वचन अर्जुन क्यों बोलते हैं? युधिष्ठिर को ऐसा कौन सा भय लगता है जिससे वो द्रोणाचार्य से थरथर कांपने लगते हैं, और ये सारा वृत्तांत किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत द्रोण पर्व में द्रोणाभिषेक पर्व के अंतर्गत 13वें अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन जब द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद करना और भुजाओं पर ताल ठोकना आरंभ किया। भरत नंदन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह आज द्रोण क्या करना चाहते हैं ये तुमने सुना ही होगा, अतः तुम ऐसी नीति बनाओ जिससे उनकी इच्छा सफल न हो। शत्रुसूदन द्रोण ने कुछ अंतर रखकर प्रतिज्ञा की है, महाधनुर्धर अर्जुन वह अंतर उन्होंने तुम पर ही डाल रखा है, अतः महाबाव आज तुम मेरे समीप रहकर युद्ध करो जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने इस मनोरथ को पूर्ण न करा सके। अर्जुन बोले, राजन जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है, उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभीष्ट नहीं है। पांडुनंदन, इस नीति के अनुसार बर्ताव करते हुए मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा। महाराज, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य लेना चाहता है, वह इस जगत में अपने उस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते, ये ध्रुव सत्य है। राजेंद्र, यदि रणक्षेत्र में साक्षात वज्रधारी इंद्र अथवा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करे तो भी मेरे जीते जी वे आपको पकड़ नहीं सकेगा, अतः आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से भय नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं अपनी दूसरी भी निश्चल प्रतिज्ञा आपको सुनाता हूँ, मैंने कभी झूठ कहा हो इसका स्मरण नहीं है, मेरी कहीं पराजय हुई हो इसकी भी याद नहीं है, और मैंने प्रतिज्ञा करके उसे आंशिक मात्र भी झूठी कर दिया हो इसका भी मुझे स्मरण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे और उसमें हम जानेंगे कि इससे आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें।